प्रथम तहलका न्यूज। हरियाणा में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है और पुलिस की लचर व्यवस्था के चलते बदमाश लुटेरों के हौसले भी बुलंद होते जा रहे हैं। मामला टोहाना के आजाद नगर से सामने आया है, जहां वार्ड नंबर 13 के एक मकान से चाकू और बंदूक की नोक पर लाखों की लूटपाट को अंजाम दिया गया। घटना के समय मकान में महिला अकेली थी। लूट के आरोपियों ने एक मोटरसाइकिल चालक को गोली मारकर उससे मोटरसाइकिल छीनकर फरार हो गए, तो वही इस मामले में 3 लुटेरों के शामिल होने का अंदेशा जताया जा रहा है। गेट खुला पड़ा था, मेरे को कहते हमारे छेने थोड़ा यहाँ पे। मैं क्या भाई, यहाँ किसी का कुछ नहीं है। कह रहे नहीं हम छोड़ गए थे यहाँ पे। मैं क्या भाई कौन हो तुम, यहाँ कुछ नहीं है। एकदम से कुंडा लगाया और ऊपर चला गया। एक और एक मेरे पास आ गया जी, हाँ जी यहाँ इस रूम में। मेरे को कहता अगर आप कुछ भी बोल रहे हो ना, मैं आपको भी मारूंगा और आपके बच्चे को भी। मैंने चीख लगाई, उसने तुरंत ही ना चाकू रख लिया ऊपर चीख लगाते। कहते आपको ना मार देंगे अगर बोल रहे हो। फिर स्टोर रूम में कहते या तो आप चाबी दे दो, जितने 20-30 लाख रुपए कल आए हैं वो सारे के सारे दे दो, नहीं तो आपको मारूंगा, आपके बच्चे को भी और आपके हस्बैंड को भी। मैं क्या भाई मेरा बच्चा ना कुछ ना करी, मैंने पैसे का पता नहीं सुनील के पास है या उसने बैंक में रखे हो या कहीं घर पे पैसे नहीं है। कहे तेरे पहले तो करना के निकाल, गड़ में जो डाल रखे सब कुछ निकाल, सब कुछ निकाल कर जी सारे लोग तोड़ दिए। जितने अलमारियां वगैरह के टोटली सामान ले गए उठा के घर से, जितना भी सोना था और जितने पैसे थे ए टू जेड चीज ले गए, कुछ भी नहीं घर में छोड़ के गए। तो उन्होंने नकाब वगैरह डाल रखा था? हाँ जी, मास्क लगाया हुआ था। तो आपके पति कहाँ थे उस समय? ऑफिस में जी आए थे, वो गेट पे खड़े रहे, बैल बजाई, खोलने नहीं दी उन्होंने गेट। तो आसपास शोर शराबा की, आसपास से लोग नहीं आए? नहीं शोर शराबा, बस एक ही चीख लगा देंगे जी। फिर काकू के ऊपर रिवॉल्वर रख लिया और मेरे ऊपर चाकू रख लिया कि बोलने नहीं, बोलना नहीं है नहीं तो मार देंगे, अगर नहीं बोलोगे तो पैसे लेके हम चले जाएंगे, कुछ भी नहीं कहेंगे। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो वही जिस व्यक्ति की मोटरसाइकिल को लुटेरों ने चुराया, उसने भी इस पूरे मामले के बारे में जानकारी दी। वो 3 जने आ रहे थे, तो मैं खेत में जा रहा था जी, और वो मेरी तरफ भाग गए और मोटरसाइकिल कोसने के लिए उन्होंने मेरे ऊपर गोली चलाई और मैं पीछे भागा, मेरे हाथ पे गोली लग गई तो मोटरसाइकिल मेरा लेके भाग गए। गांव लोहाखेड़ा की बात है। तो आप कौन से गांव के रहने वाले हो? लोहाखेड़ा के ही हैं जी। मैं तो खेत में था जी, वहीं आपकी मोटरसाइकिल खड़ी थी वहाँ खेत में? हाँ जी, मेरी मोटरसाइकिल, मैं जा रहा था उस साइड और मेरी मोटरसाइकिल कोस के और उन्होंने मेरे ऊपर गोली चलाई और भाग गए वो। तो वही लूट की वारदात में शामिल 2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ने में सफलता हासिल की है, जबकि इस वारदात में शामिल 3रे आरोपी ने खुद को गोली मार ली। टोहाना के DSP वीरम सिंह ने इस बारे में जानकारी दी। पुलिस ने पकड़े गए दोनों आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है। ये सुनील कुमार है जो आजाद नगर टोहाना का रहने वाला है, उसके जो घर में है 3 लोग घुस गए थे। जब वो घर पे पहुंचा, उसने बेल बजाई तो 3 आदमी उसमें से लिपटे। उन्होंने बताया कि एक आदमी में जो है, एक आदमी के हाथ में पिस्टल थी और पिस्टल लहराते हुए तीनों जो है, एक एक्टिवा पे जो एक आदमी पहले लिए खड़ा था उनका, जो 2 अंदर से निकले, तीनों एक्टिवा पे चले, तो इन्होंने अपनी स्कूटी पे उसका पीछा किया। पीछा करते करते जो है ये लोहाखेड़ा गाँव जो है उसको क्रॉस किया, तो एक लड़का और था लखमीर नाम का जो लोहाखेड़ा का रहने वाला है, उसकी जो है इन्होंने मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश करी, तो उसने विरोध किया तो उसके हाथ पे जो है वो गोली लगी है। उसके बाद जो है ये पब्लिक जो है लोहाखेड़ा के सारे आदमी जो है और सब भी बाहर निकल गए और ये खेतों में घुस गए। खेतों में घुसने पर 2 को जो है वो राउंड अप कर लिया गया है और 1 का जो है अभी जीरी में तलाश चल रही है उसकी, और ये घटना घटी है। देखिए घर का सामान है, अभी पूछताछ जो है वो कर रहे हैं और विस्तृत जानकारी आपको बाद में दी जाएगी। कितना कैश भी है, जेवरात भी है, जो भी है वो भी चेक कर रहे हैं और उसके बाद आपको बता तो कितने का? ये एक तो लड़का है पवन जो है, ये टोहाना का है, और एक जो है अजय है वो धर्म कॉलोनी का है, नरवाना का, धर्म सिंह कॉलोनी है नरवाना वहाँ का रहने वाला। तो क्या कि इनका वो अभी चेक करवा रहे हैं? तो सर वो अभी देख रहे हैं, जो मालूम जो पता अपने आप को गोली मार ली है वो जीरी में है, अभी देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं उसको।
फिलहाल शहर के मुख्य बस स्टैंड के साथ लगते आजाद नगर में इस तरह की हुई लूट की घटना से इलाके में डर का माहौल है। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि सेवा और सुरक्षा का दावा करने वाली हरियाणा की पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। प्रथम तहलका के लिए टोहाना से नवल सिंह की रिपोर्ट। वर्ल्ड फेमस बाबा अजमल खान, हर समस्या का तुरंत समाधान, जैसे नौकरी, कारोबार, वशीकरण, प्रेम विवाह, तलाक, दुश्मन से छुटकारा, घर में बीमारी का रहना, ऐसी ही समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत फोन करें। 7 घंटों में 100% लाभ गारंटी कार्ड के साथ। वर्ल्ड फेमस बाबा अजमल खान। मोबाइल नंबर 9878678629।